हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक नया डिज़ाइन फिर से लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि हार्ट शेप रहेगा। आज वाला जो मैं केक बनाऊंगा, इसमें फ्लावर्स भी आपको बना करके दिखाएंगे। लेयर में इसका पहले से कर रखा था, और विप क्रीम इसको अच्छे से अब आइसिंग कर लेते हैं पहले। और क्रीम जो मैं यूज़ करता हूँ स्टार विप है, आप लोग देख सकते हो कितना मस्त है। और आप लोग भी जब आइसिंग करते हो क्रीम को लूज और अच्छा रखिए, ताकि आप लोग का भी आइसिंग जो केक करते हो फिनिशिंग में करो, और प्लस अच्छे से अच्छे डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए। और वैसे बहुत से लोगों का बोलते हैं ना कि हाँ अच्छा से फिनिशिंग नहीं होता, मेरा केक अच्छा नहीं दिखता, तो वो करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर कोई नया नया सीख रहा है तुरंत बोलेगा हो जाएगा, नहीं होगा। बस कोशिश कीजिए जो लास्ट टाइम पे बनाए हो केक, वो फोटो रखिए, उससे बेहतर करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आप लोग का ऑटोमेटिक होगा। हम लोग भी किसी से कोई क्लास करके केक नहीं बना रहे, ठीक है, खुद से बना करके ही सब सीखे हैं, तो इसलिए करते रहिए, आप लोग का भी मस्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा क्रीम में अच्छे से फिनिशिंग कर ले रहा हूँ, आइसिंग नाइफ से ही साइड से ही कवर करके। ये हमारा डोम पट्टी, इससे भी फिनिशिंग अच्छे से कर दूंगा केक को, और आप लोग देखिएगा लास्ट मेरा फिर कितना अच्छा फिनिशिंग आता है। और केक आइसिंग करते हैं तो आप लोग थोड़ा गर्म पानी का भी यूज़ किया कीजिए, उससे भी अच्छे से मतलब फिनिशिंग हो जाता है केक, जो थोड़ा बहुत क्रीम का टाइट वगैरह रहता है, फिर कहीं पे भी दाना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर पूरा सॉलिड फिनिशिंग हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो मेरा कितना मस्त हो चुका है। तो ये हो गया। अब चलिए इस पर हम जेल एक साइड से डालेंगे, ये हमारा न्यूट्रल जेल है, रेड कलर डाल करके बनाया हूँ इसका मैं। तो ये अच्छे से एक साइड से सिर्फ हम मिक्स करना, एक साइड से हमें फ्लावर पूरा डिजाइन रखना है। तो इसको हल्के जितना भी है, ज़्यादा पतला ये वाला नहीं था जो मैं बनाया हूँ, मतलब मीडियम में है, ज़्यादा पतला रहेगा क्या पूरा नीचे आ जाएगा, इसलिए मेरा गाढ़ा है थोड़ा ये, अगर पतला कर देता फिर वो अच्छा नहीं रहता। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट रेड में भी है, और न्यूट्रल जेल भी हमारा रिच कंपनी का है। टोटल मैं क्या यूज़ करता हूँ, कौन सा ब्रांड का, जो भी सब कुछ मैं आप लोग से शेयर कर दिया करूँगा। तो अगर आप लोग भी कुछ कोई केक्स बनाते हैं, फिर कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लें। आप लोग को डेली हर एक वीडियो मिले, मतलब डेली एक वीडियो मिलेगा जो कि नए नए मॉडल्स का रहेगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, और साइड से भी हमारा न्यूट्रल जेल ही है, जो कि डॉट डॉट करके पूरे केक में हमें कवर करना था, क्योंकि जो हमारे पास फोटो आया था सेम उसमें भी ऐसा ही था। और हम लोग के पास जो कस्टमर बोलता है फोटो देख लेके आता है, तो नहीं तो अगर कोई कोई केक रहता है ऐसा जो कि मास्टर चॉइस, यानी कि आप अपने हिसाब से बना लीजिए, तो हम लोग वो बनाते हैं। लेकिन ये हमारा फोटो मॉडल केक था जो मैं बना रहा हूँ अभी, और 2 kg का था ये वाला केक। तो ये देख सकते हैं, अब हमें बेस फिनिशिंग करना है। टोटल ऊपर का मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ, अब हमें एक साइड से सिर्फ ये रेड वाले साइड से हमें फ्लावर नीचे को लेके आना है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और बेस फिनिशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि फिर ऊपर आप लोग देखो कहाँ पे नाम लिखोगे, जगह नहीं रहता है, एक साइड से फ्लावर आ जाएगा। इसके लिए बेस भी फिनिशिंग कर देते हैं, ताकि नाम वगैरह फिर कुछ भी लिखना है तो इसमें हम लिख सकते हैं। और वैसे भी यहाँ के कस्टमर्स नाम नहीं, पूरा जन्म कुंडली लिखवा देते हैं केक पे, समझे ना। इसके लिए हम लोग पूरा जगह छोड़ देते हैं, बोलो ठीक है जितना जो लिखवाना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया बेस भी फिनिशिंग, और वैसे केक देखने में भी अच्छा लगता है, बेस क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा R11 नोजल है, जो मैं साइड का बॉर्डर लगा रहा हूँ, बस ऊपर नीचे दबाते जाइए और साइड से खींचते चले जाइए बस से। अब इसी से हमें फ्लावर भी बनाना है, और बस इसमें डॉट डॉट का मैं रेड का ही लगा दे रहा हूँ। आप लोग चाहो तो दूसरा कलर भी लगा सकते हो, देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, मैं जेल का भी वीडियो लेकर के आऊँगा, न्यूट्रल जेल परफेक्ट कैसे बनाते हैं। कुछ पूछना है अगर आप लोग को तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और चाहिए मेरे से बात करना चाहते हो तो सुनील केक मास्टर के नाम से मेन आईडी मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो फ्लावर में बना रहा हूँ इसका, कैसे बनाना मैं बताता हूँ। R11 नोजल है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट हमें पिलर बनाना है, अब इसको दो साइड से लेना है, और जो कट करते हो हाफ से कट करते जाना है, आधा से फिर अपने तरफ लेते जाइए और नीचे की तरफ आते जाइए, देख सकते हो फर्स्ट, फिर वहीं से आधा से जितना भी जो भी है हाफ से उल्टा सी बनाते चले जाइए, ऑटोमेटिक आप लोगों को फ्लावर मस्त बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो इसमें कोई कलर वगैरह हमें नहीं डालना था, बस ऐसे ही वाइट वाइट लगाना था। और अगर बड़ा फ्लावर बनाना चाहते तो बड़ा खींचना है, और छोटा बनाना है तो छोटे की तरफ खींचना है, तो फिर आप लोग का भी परफेक्ट बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं लगा चुका हूँ, अब इसमें हमें ग्रीन कलर का साइड से पत्तियाँ बना देना है, लेकिन ये राउंड में है, साइड से मैं पत्ती कट नहीं किया हूँ इसका, क्योंकि जो फोटो था उसमें भी सेम था, फोटो मॉडल जो रहता है वो हम लोग को करना पड़ता है। तो चलिए ये भी केक हमारा कंप्लीट हो गया, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को और भी मैं नए नए चीज़ सिखाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें।